तो हमें काका मिले हैं यहाँ पे, चलो उससे डायरेक्ट बात करते हैं। हेलो 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 काका, कैसे हो? इधर आओ इधर। कैसे हो काका? ठीक है। है ठीक है, ये ठीक हो? इधर आओ, साइड में आ जाओ, इधर आओ। हमारे लायक काम होते बोलो। अच्छा, आप काम करने के लिए आए हो? नहीं नहीं, हमारे लायक हो क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कहाँ से हो रमेश जी? सूरत से। सूरत से हो, तो यहाँ भरूच कैसे पहुँचे? अरे मेरे का काम होता है ना। क्या काम करते हो? जहाँ काम हो, आनंद है, सूरत है, जहाँ काम होता है ना वहाँ बुलाते हैं मेरे को। खास आनंद का हूँ लेकिन सूरत आना पड़ता है मेरे को। क्या काम करते हो आप? अरे टाइप राइटिंग है, मशीन का टाइप राइटिंग। टाइप राइटर? टाइप राइटर। अच्छा, वो जो वकील वगैरह सब लोग करते हो टाइपिंग? हाँ टाइप का। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट यार, मेरे को जाना है यार। इधर इधर खड़े रहो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ आपसे बात कर रहा हूँ यार, मैं भी सूरत से आपको मिलने आया हूँ। आपकी जिंदगी, आप ऐसे क्यों रहते हैं? अरे ऐसा ही है अपना तो कपड़ा, ऐसा ही है ड्रेस। क्यों ऐसा ट्राई प्रिंटिंग थोड़ी होती है, आपसे कोई काम भी नहीं? अरे यार ऐसे शान बाबू बन के जाए तो कोई देता नहीं दे। अपन मेरी बात तो सुनो, आप एक काम करो ना, मेरे साथ सूरत चलो। अरे मेरे को नहीं, सूरत में बहुत काम है। हाँ पर मेरे को काम है दूसरा अभी। क्या नहीं आ सकता हूँ भैया? क्यों? मेरे को दूसरा, मेरे फ्रेंड का काम है यार। क्या नाम है फ्रेंड का? एक मिनट रुको तो सही है आप यार। अरे यार रुकने कोई फायदा नहीं, मैं देखो मेरे को बच्चे के लिए आए हैं। हाँ तुम्हारा सारा माटे जाविया छे। हाँ अब इधर रुको, चाय चाय। दोस्तों अभी हम भरूच में हैं और ये अंकल पिछले काफ़ी दिनों से भरूच में घूमते रहते हैं, उसके हालात बहुत गंभीर है। अभी भरूच में ABC सर्कल है, पेंटल उस मौलवी साहब बाजू में है और बहुत बुरी हालात है। बट चले कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है पढ़े लिखे भी है आप। अरे बायोडाटा नहीं है मेरे पास। अच्छा तो बोल के दिखाइए, आपका बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ये भाषा बोलता हूँ ना। कहाँ पढ़ाई की है आपने? अरे पढ़े जा, 8-9 किया है, नहीं किया है ज्यादा, ये बात है। अच्छा आपके घर में कौन चाय नहीं पीनी है? अरे चाय आता आता बहुत टाइम है। नाश्ता करो से? नाश्ता ले आऊ? ना ना नाश्ता नहीं करूँ। ब्रेड पाव कहीं नहीं है? चाय नहीं ले आऊ? नाश्ता? अरे नहीं है भैया, चाय बहुत है। रात को कहाँ पे सोते हो? रात को? अरे मेरा फ्रेंड है उसके वहाँ। कौन सा, क्या नाम है आपके? मेरा फ्रेंड है भैया। कौन है? मैं आपका फ्रेंड हूँ ये समझ लो ना। नहीं नहीं, वो सूरज भाई, उसके घर पे जाता हूँ। अच्छा अच्छा, चाय पी लो, चलो बाद में बात करते। आप कितने टाइम से जानते हो भाई? हूँ इमने से ना कितना भाई, 4-5 वार आवता जता मैं अलग अलग समय जो है ना, मैंने कीधु पण आजूबाजू वाला है के ये लोग आटा मैरे रखे छे स्टेशन थी आ बाजू आखो दिवस के घणा टाइम के। ओके अबा यहां मला आ रोड पर जो भरूच नो ABC सर्कल। हां ABC सर्कल थी स्टेशन उदी में आखो दिवस आटा मैरे लागे। बराबर चौक दी शीतल होगी। अभी अंकल देखो, ये सभी लोग मुझे जानते हैं, ठीक है? हम लोग है ना, आप जैसे लोग जो रोड पे रहते हैं ना, उसको घर की जैसे आपकी सुविधा देते हैं, आपको काम भी मिलेगा। ऐसे घूमते रहने से क्या फायदा है बताइए? मने आए वो समझो के सारी जगह पर लई जाए, बटन नहीं जो है सारा लोग से तुम्हारे कमरे चोखा तुम्हारे उल्टो रेवानो बस दाढ़ी भी करी दे भाई। मैं तुम्हारो मित्र नहीं? नहीं नहीं मित्र है पर बीमारी है ना, એટલે શું બીમારી છે? લડકો રોગ છે? અરે છોકરીની બીમારી છે, જવું પડે। શું બીમારી છે? મારે જવું પડે યાર, બીમાર છે। કોણ? છોકરી બીમાર છે મારી। ભાઈ એડ્રેસ શું છે તમારું? ક્યાં એડ્રેસ? કેમ તમારું ઘરનું એડ્રેસ શું છે? તમારી ઘરે બીમારી નો કઈક નિદાન કરીશું ને? અરે નહીં યાર, નિદાન બીમારી હોય પૈસા ખર્ચી જાણી આમ। અચ્છા અચ્છા, તો મેરે સાથ ચલો આપ। અરે નહીં 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 નહીં, અરે સબ જિંદગી માં નહીં। ચલો તમારી માટે। અરે નહીં નહીં માટે, ચલો ચલો મેરે કો જાને દો, અભી વો ટાઈમ નીકળ જાયેગા યાર મેરા, મેર ટાઈમ ઉધર કા નીકળ જાયેગા। ઠીક હે, મેં દરવાજા બંધ કર દઉં। કર દઉં, चलिए ठीक, चौकस, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अभी हम भरूच में थे और बाइकी काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं वीडियो को और काफ़ी सारे लोग उससे प्रेरणा भी लेते हैं। इसे व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, ठीक है भैया? आप भी थोड़ा टाइम निकालिए अपने टाइम में से और लोगों की मदद कीजिए। करो 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 करो, चलो थैंक यू सो मच, आओ जो बता। हाँ पाड़ी लो, नंबर आप जो। पूरा नाम क्या है? रमेश भाई मगलाल शाह। आई एम ऑर्डिनरी पर्सन। दिस कंडीशन व्हाई? माय कंडीशन इज वेरी पुअर व्हाई नाउ दिस टाइम। आपकी उम्र कितनी है? व्हाट इज योर एज? 75। 75। आई एम अलोन इन सर्च ऑफ वर्क। ओके ओके ओके।
दोस्तों हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और सी डिवीजन पुलिस स्टेशन भरूच और काफ़ी सारा सपोर्ट भी रहता है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ में जुड़ के काम करके ऐसे व्यक्ति जल्दी से जल्दी उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच, हमारे लिए कुछ भी काम हो तो बताना, थैंक यू। चलो सर, मिलिए आओ सर। चलिए दोस्तों, आप पूरा एपिसोड देखिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं भरूच से वेरिफिकेशन करवा के और रास्ता थोड़ा लंबा इसलिए क्योंकि हमारी गाड़ी को आज थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। पिछले 3 महीने से हमारी ये XUV 500 बहुत ही परेशान कर रही है। अभी देखिए, आप यहाँ पे सामने में आपको दिखाता हूँ, 50 से ऊपर ज़्यादा हम स्पीड में नहीं गाड़ी चला सकते और वो प्रॉब्लम कल से ही हुआ है। बट तो भी धीरे धीरे अभी हम जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रेस्क्यू अभी दिन प्रतिदिन ज़्यादा करने के लिए ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा रहता है हमारा ट्रैवलिंग। तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा हर रोज का दिनचर्या का काम है, तो कोशिश करते रहेंगे। और अभी हाईवे पे हैं हम, अंकल जी काफ़ी दिनों से नहाए नहीं है तो भी बहुत दुर्गंध आ रही है, कांच खुले रख के गाड़ी चलाना पड़ता है। बट चले कोई बात नहीं, किसी की ज़िंदगी बदल रही है तो ये सब मुसीबत है तो एक छोटी मामूली है, और उसकी ज़िंदगी बदलेगी वही सबसे बड़ी बात है। आप पूरा एपिसोड देखना दोस्तों, शेयर कर देना। अभी हम जा रहे हैं मानव मंदिर आश्रम, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे का रास्ता है क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। और कोई बात नहीं, कोशिश कायम रहेगी हमारी किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मानव मंदिर आश्रम, जो कामरेज के नज़दीक बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ बनाया गया है, और अंकल अभी हमारे साथ है। अभी रात के बज चुके हैं 7:30। चले कोई बात नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लगा बट किसी की ज़िंदगी बदलेगी वही सबसे बड़ी बात है। पूरा देखिए आप, बैठ जाओ इधर। अभी बाल दाढ़ी कर देते हैं, फिर नहा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, फ्रेश हो जाओगे आप। चलो आप इधर आ जाओ, चलो चलो। ये बाल तो नहीं नहीं उतरेगा, दाढ़ी बन जाए। हाँ ठीक है, दाढ़ी को दाढ़ी बन जाए, बाल तो ऑप्शन रहता है सिर्फ। हाँ नीट होगा, आप दाढ़ी कर देता हूँ पहले मैं। दाढ़ी कर दो। हाँ दाढ़ी कर, आप हिलिए मत। दोस्तों पूरा मिट्टी का थर जम चुका है, आप देखिए देखिए आप इतने दिनों से वो नाहे नहीं होते जिसकी वजह से। अंकल आप इतने पढ़े लिखे हो, इंग्लिश में टाइपिंग करते हो, हैं अंकल, तो भी आप ऐसी सिचुएशन में रहते थे आप। ये हल्का मशीन है ना बिल्कुल, तो फिर बाल इधर रख दो, फेंक दो इधर, अब मस्त ना लेते हम। अरे हाथ लो, लग जाएगी बस। कांट खा गई है देखो। वही तो है। बोलो क्या? ए, आपके लड़के शायद देखते होंगे, हमारे रमेश भाई शाह, जो आप उसके हालात देखिए कि वो कितनी बुरी हालात के साथ हो रहते थे। लपेटने का नहीं? कुछ नहीं, अभी निकाल दो ना, मैं आपका बच्चा ही हूँ, निकाल दो। क्या करे, क्या ऐसे थोड़ी रहते यार। ये लो घिसो बॉडी पे। इतना मैल भरा हुआ है पूरे बॉडी में कि काफ़ी दिनों से न नहाने की वजह से उसको कुछ भी बीमारी भी हो सकती थी, और अंकल को थोड़ा गुप्त रोग भी है जो शायद हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। बट यही कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो रोड पे रहते हैं तो प्लीज़ आप उसकी टेक केयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर वक्त हर जगह पे हम सभी लोग नहीं पहुंच सकते, तो आपको आगे आने की ज़रूरत है। और इस दुनिया में काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसको एक सहारे की ज़रूरत है। अभी रुको, पैर पे घिसो साबू, पैर पे घिसो। Thank you.
एक मिनट पहनता हूँ, पहले हाथ डालना पड़ेगा। हाँ गिर नहीं जाए अंकल, वो मत पहनो आप यार। नहीं ये पुराना सब गया, फेंको ही दो। अच्छा फेंको। नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा अरे यार हाँ वो समझ गया, निकालो फेंको इन्हें, कुछ पैसा निकालो। हाँ निकाल दो पैसे। हाँ, और है पैसा। दोस्तों आप देखिए कि जब हमने अंकल को रेस्क्यू किया तो बहुत ही बुरी हालात थी उसकी, और साथ साथ में काफ़ी ऐसी कंडीशन में व्यक्ति है, तो बहुत कम पैसे है। बट जितने भी पैसे आपको आपको यहाँ पे दिख रहे, मुझे लग रहा है 1000-2000 हो गए समथिंग। बट बात पैसे की इसलिए मैं करता हूँ कि हम अक्सर व्यक्ति को पैसा दे के छुटकारा ले लेते, चलो मैंने बहुत बड़ी सेवा कर दी है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी पैसा मत दीजिए, जो आपको देना है तो टाइम दीजिए कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल सके। और आज मानव सेवा मंदिर एक ऐसा आश्रम जहाँ पे व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ साथ उसको नया परिवार भी मिल सकता है, और एक नई राह पे उसको एक नई एक दिशा मिले, बस यही हम कोशिश करते हैं। बाकी तो ये सब पैसा आपका मैं ऊपर जमा करवा देता हूँ, जमा रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब भूख लग गया ना आपको, थोड़ा खाना खा ले। हाँ बस चलो हो गए, हल्के हल्के तो हो, अच्छा लग रहा है ना। हाँ हल्का हो गया। कहाँ पे नौकरी करते थे आप? मैं हूँ टाइपिस्ट, जहाँ मिले काम वहाँ कर लेता हूँ। कौन सी टाइपिंग करते हो आप? इंग्लिश। इंग्लिश टाइप कर लेते हो? और क्या। अच्छा इंग्लिश ही है, हिंदी विंदी सब चला गया, अब इंग्लिश चल, इंग्लिश ही चल, सब जगह इंग्लिश टाइप। आप मुझे सिखाओगे इंग्लिश? मुझे सीखना है। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो नहीं, प्रोफेसर तो हूँ नहीं, मामूली आदमी हूँ, कि जरूर पड़ती काम करती बात कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भरूच में कितने टाइम से घूम रहे थे आप, कितने दिनों से? भरूच में 2 दिन हुआ, कहाँ जाता है। पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? आनंद था। आनंद में थे? आपके आनंद में लड़के लोग क्या करते हैं? अमूल डेयरी में। लड़के क्या काम करते थे? सही बात बोली। कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब होता है, तो हम किसी को खाना फेंका जाता है और किसी को खाना मिलता नहीं है। सही बात, ये सही बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको जो अभी ये व्यवस्था मिली है ना, मानव मंदिर आश्रम जो है ना, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आपको परिवार तक मिलाने की व्यवस्था सब कुछ फ्री में देंगे, समझे। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, आप आराम से रहिए। आप जैसे यहाँ पे 500-600 व्यक्ति रह रहे हैं। अच्छा, जो पहले रोड पे रहते थे। रोड की बात तो ठीक है, मजबूरी का इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा। बिल्कुल। चले दोस्तों, आज हमारे रमेश भाई शाह, हमारे रमेश अंकल शाह की हालत बदलने का जो भगवान ने हमने मौका दिया है। बहुत बुरी हालत थी, काफ़ी दिनों से नहाए नहीं थे, गंदगी उतनी भरी थी आप देख के भी हैरान हो जाते। पर चले कोई बात नहीं, आज किसी की ज़िंदगी बदल रही है, वही सबसे बड़ी बात है। शायद उसके परिवार वाले भी देख रहे होंगे, शाह परिवार से जितने भी लोग अभी देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति बदलना जरूर चाहता है, बट हमें टाइम देना पड़ता है, किसी को प्यार से समझाना पड़ता है। पर ऐसे मानसिक रोगी को व्यक्ति यही बोलते हैं कि भाई ये तो पागल है, इससे इसके पास कैसे जाए, वो मार देंगे, वो करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार से हर कोई व्यक्ति बदलना जरूर चाहता जरूरत है। और अभी आने वाले वीडियोस में जो होगा, वो हमारे आने वाले दिनों में हम जा रहे हैं नैरोबी केन्या। जितने भी लोग अभी नैरोबी केन्या से देख रहे हैं, जो आप हमारी टीम से मिलना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7690011900, उसी नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और नैरोबी केन्या में भी काफ़ी ऐसे सपोर्टर है हमारे, जो आज सोशल मीडिया आश्रम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी इवेंट के लिए हम जा रहे हैं केन्या और नैरोबी, और वहाँ से किसी जाएंगे, फिर उसके बाद युगांडा, फिर उसके बाद मॉस्को भी जाना है। बट कोई बात नहीं, ये सब कुछ आगे की अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो।